गदर 2 जो लाएगी बॉलीवुड में रोशनी। जी हाँ, आजकल हर जगह बॉलीवुड की बायकॉट की मांग की जा रही है। बड़े से बड़े सितारे और बड़े बड़े बजट की फिल्में औंधे मुंह गिर रही हैं, और ऐसे में अब बॉलीवुड के शेर सनी देओल अपनी नई फिल्म गदर 2 लेकर आने वाले हैं। आखिरकार दर्शकों ने लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जैसी फिल्मों को नकार कर बॉलीवुड का घमंड तोड़ दिया, और इसे देखकर अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे और डायरेक्टर अपनी नई फिल्मों को रिलीज करने के लिए घबरा रहे हैं। ऐसे में दर्शकों को बस अब सिर्फ एक फिल्म का इंतजार है, वो भी बॉलीवुड के शेर सनी देओल की गदर 2 का। 2001 में आई सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर ने जो धमाका किया था वो दर्शकों को आज भी याद है। उस फिल्म में एक प्रेम कहानी दिखाई गई थी जहां तारा सिंह अपनी बीवी सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान को हिलाकर रख देता है। लेकिन इस बार गदर 2 उससे बड़ा धमाका करने वाली है। जी हां, इस बार गदर 2 की कहानी 1970 में हुई भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास आपको घूमती हुई दिखाई देगी। इस फिल्म में उत्कृष्ट शर्मा फिल्म में एक सोल्जर का किरदार निभाएंगे। ये वही उत्कृष्ट शर्मा है जो गदर 1 में आपको सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे के रूप में नजर आए थे, लेकिन इस बार वह बड़े हो चुके हैं। जी हाँ, 20 साल के बाद आपको उत्कृष्ट शर्मा का ट्रांसफॉर्मेशन और उनका लुक देखने को मिलेगा। फिल्म में वह सोल्जर के किरदार में हैं, जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल एक बार फिर से पाकिस्तान में घुसेंगे। इस बार गदर 2 की कहानी में बाप और बेटे के रिश्ते पर ज्यादा फोकस किया गया है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ऐसी फिल्म पहले अपने भी बना चुके हैं जिसमें बॉबी देओल भी थे, और ये फिल्म बहुत ज्यादा हिट हुई थी। एक बार फिर अनिल शर्मा बाप बेटे के रिश्ते को गदर 2 में दिखाएंगे, वो भी एक एक्शन और थ्रिलर के साथ। गदर के पहले भाग में सनी देओल आपको हेडपंप उखाड़ते हुए दिखाई दिए थे, वह सीन काफी हिट हुआ था। रिपोर्ट्स की माने तो गदर 2 में सनी देओल इस बार पाकिस्तान की तोप उखाड़ेंगे। अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि सनी देओल का एक्शन कितना खतरनाक रहने वाला है। इतिहास गवाह है कि सनी देओल ने आज तक जो भी देशभक्ति की फिल्में बनाई हैं, चाहे वह गदर है या बॉर्डर या फिर हीरो, वह फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। और इस बार गदर 2 क्या फिल्म हिट होगी? क्या यह फिल्म बॉलीवुड में रोशनी लाएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गदर 2 की कहानी को 20 साल के बाद आगे बढ़ाना डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है कि इस फिल्म को अब आगे कैसे बढ़ाना है और इसकी कहानी को कैसे पिरोना है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आप गदर 2 के लिए कितना एक्साइटेड हैं? फिल्म की रिलीजिंग की बात करें तो इस साल के अंत तक फिल्म को रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या गदर वो सब कर पाएगी जो बॉलीवुड की फिल्में नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।